हाय एवरीवन, आदाब। आज हम बनाएंगे मटन तहरी। मटन तहरी खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। हम इसे और भी आसान तरीके से बनाएंगे। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 500 ग्राम मटन लिया है, जिसे हमने धो के अच्छी तरह से साफ कर लिया है। और फिर हमने यहाँ पर 500 ग्राम बासमती चावल लिया है, इसे भी हमने धो के साफ कर लिया है। तहरी बनाने से पहले हमें चावल को धो के साफ कर लेना है, तो हम इसे साइड में रखेंगे। और फिर हमने यहाँ पर साबुत मसाले लिए हैं। मसालों में हमने लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और ये धनिया और हमने पुदीना के पत्ते दोनों मिला के लिए हैं। 1 बड़ी चम्मच साबुत जीरा, 1 चम्मच हमने यहाँ पे काली मिर्च लिया है। और फिर हमने गरम मसाले में हमने यहाँ पर काली इलायची, हरी इलायची और ये हमने दालचीनी लिया है। तो हम मसालों को ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के लिए हमने यहाँ पर एक मिक्सी जार लिया है। हम मसालों को डाल देंगे जार में और फिर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। मसाले को मैंने ग्राइंड करके इसे कटोरी में रख लिया है। और फिर हमने सूखे मसालों में हमने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 बड़ी चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है, 1 छोटी चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है, नमक हम डालेंगे टेस्ट के हिसाब से, आधा कटोरी हमने यानी कि 6 बड़ी चम्मच हमने सोया तेल रिफाइंड तेल लिया है। आप चाहें तो इसे घी से भी बना सकती हैं। और फिर हमने यहाँ पर 2 बड़ा प्याज कटा हुआ लिया है, 3 बड़ा टमाटर कटा हुआ लिया है, 1 नींबू का रस। आप यहाँ पर दही भी यूज कर सकती हैं, हमने दही नहीं लिया है। तो आइए तहरी बनाना शुरू करते हैं। हम तहरी को कुकर में बनाएंगे, इसलिए हमने कुकर को गैस पे चढ़ा दिया गरम होने के लिए। अब कुकर हमारा गरम है, हम इसमें डाल देंगे ये तेल। फिर हम इसमें डालेंगे मटन, फिर हम इसमें डालेंगे ये पिसा हुआ मसाला, फिर टमाटर, प्याज, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक हम देंगे टेस्ट के हिसाब से। हमें इसी में चावल भी पकाना है, हम उसी हिसाब से नमक डालेंगे और फिर हम इसे चला लेंगे। और फिर हम कुकर को कवर कर देंगे और कवर करके हम मटन को गलने तक पकाएंगे। हमने मटन को कवर करके 6 सीटी आने तक इसे गला लिया है। अब ये गल चुका है, हम इसे भून लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद हम इसमें चावल डालेंगे। अब मटन हमारा अच्छी तरह से भुना चुका है, हमें अब इसे इतना ही भूनना है। हमने मटन को गलाने समय पानी इसमें नहीं डाला था, आप चाहे तो गलाने के लिए थोड़ा पानी डाल सकती हैं। अब हम इसमें डालेंगे चावल, फिर हम इसमें डालेंगे ये नींबू का रस, फिर
अब हम इसमें पानी डालेंगे। अब हम यहाँ पर 1.5 कटोरी पानी डालेंगे। हम पहले 1 कटोरी डालेंगे। और फिर हम कुकर को कवर कर देंगे। और कवर करके हम सबसे पहले हाई फ्लेम में 1 सीटी आने देंगे। उसके बाद हम गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे और लो फ्लेम में हम 1 सीटी आने तक और पकाएंगे। और ठंडा होने के बाद हम आपको हमने दिखाएंगे। तहरी को 2 सीटी आने तक पकाया है। 1 सीटी हमने हाई फ्लेम में पकाया था और दूसरी सीटी हमने लो फ्लेम में, और फिर हमने इसे ठंडा होने के लिए गैस से नीचे उतार के छोड़ दिया था। अब ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम कुकर का ढक्कन को खोल लेंगे। अब ये तहरी हमारा बिल्कुल बनके तैयार है। अब हम इसे प्लेट में सर्व कर लेंगे। अब ये हमारा मटन तहरी खाने के लिए तैयार है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।